वेलकम स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर लिए हैं, दो तीन लेक्चर हमारे हो चुके हैं। मैंने आपके चैप्टर शुरू किया है किंगडम एनिमेलिया। फर्स्ट टू लेक्चर जो थे एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए व्हाट क्राइटेरियाज आर केप्ट इन द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट, उसको हमने देखा है। तकरीबन 5-6 टाइप के क्राइटेरियाज हैं। एक आइडिया लिया गया मेरे माइंड में कि किस तरीके से एनिमल को क्लासीफाई किया जाए। वो क्राइटेरियाज को लेते हुए यहाँ पर हम आगे बढ़े थे। वहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सब आपके जहन में होना चाहिए। एक एक पॉइंट को लेकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे सेल एग्रीगेट प्लान का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड सैक क्या होता है, आसिलोमेट क्या होता है, उसको आपको बार बार पढ़ना है। क्योंकि अब जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वही तमाम चीज़ें, वही क्राइटेरियाज़ बच्चों यहाँ पर जो यूज़ होने वाले हैं, तो हर मरतबा ये बताना ना पड़े कि आसिलोमेट का मतलब क्या रहेगा। समझ जाना है कि बॉडी कैविटी एब्सेंट रहेगी। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या रहेगा एक्सप्लेन करना ना पड़े, वो आपके माइंड में आना चाहिए कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ प्रेजेंट। तो ये तटो जो है क्राइटेरियाज पूरे चैप्टर के अंदर बार बार वो यूज़ होने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से उसको जो है बिल्कुल तमाम टर्मिनोलॉजी को याद कर लेना है कि इसका क्या मतलब है। बहुत सारी जगहों पर मैंने फिगर बनाकर आपको जो एक्सप्लेन किया है उसको जो है पूरे तवज्जो आपको देना है। फिर अभी पिछले पीरियड के अंदर, कल के पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है एनिमल क्लासिफिकेशन जो किया गया उसका फ्लो चार्ट क्या है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट हैं। नॉन कॉर्डेट के अंदर प्रिमेटिव टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, कॉर्डेट के अंदर हायर एनिमल्स हैं। और मैंने बताया नॉन कॉर्डेट जो प्रिमेटिव टाइप ऑफ एनिमल है, बैकबोन दैट इज़ टोटली एब्सेंट और एनी टाइप ऑफ बैन दैट आर टोटली एब्सेंट हियर, कोई यहाँ पर हड्डियाँ वगैरह जो हैं ये एनिमल के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और दुनिया में जब एनिमल का डेवलप हुआ तो यही एनिमल थे नॉन कॉर्डेट, थे गैर फिक्रिय जानदार, जिनको यहां पर हम कहते हैं, इनका डेवलपमेंट पहले हुआ फिर उसके बाद में कॉर्डेट का नंबर आता है। तो पिछले पीरियड में मैंने आपको, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नॉन कॉर्डेट अगर उनकी बारीकी से स्टडी की जाए, आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे तमाम स्टडी होगी, तकरीबन 30-40 डिफरेंट फाइलम आर प्रेजेंट। उसके अंदर से 10 फाइलम मेजर फाइलम हैं जो हमारे 11th-12th लेवल के ऊपर यहाँ पर जो शामिल किया गया है, 10 फाइलम नॉन कॉर्डेट की देखना है और उसके बाद हम कॉर्डेटा की स्टडी करेंगे। तो वही आउट ऑफ दैट 10 फाइला, पहला फाइलम आज के लेक्चर में मैं आपका शुरू कर रहा हूँ और वो फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा यहाँ पर जो भी फाइलम के नाम दिए गए हैं वो नाम ऐसा नहीं है कि पसंदीदा नाम रख दिया गया, अच्छा नाम रख दिया गया, अनोखा नाम रख दिया गया, ऐसा नहीं है बच्चों। बल्कि वहाँ पर पॉरीफेरा मीनिंगफुल वो नेम होते हैं, उनका मतलब होता है। यहाँ पर हम देखते हैं पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप है जिनके पूरे जिस्म के ऊपर बारीक बारीक पोर पाए जाएंगे। पोर का मतलब होता है सुराख। उर्दू में इनको अगर आप लोग छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत स्टडी हुई होगी, तो उसको कहा जाता है मसामदार जिस्म वाले। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप रहेगा जिनके पूरे जिस्म के ऊपर जो है यहाँ पर बारीक बारीक पोर पाए जाएंगे, पूरे पूरे जिस्म के ऊपर मसामात यहाँ पर पाए जाते हैं। पोर बियरिंग एनिमल हैं, मसामदार जिस्म वाले, उनको जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब इस फाइलम के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो एनिमल शामिल हैं उनके अंदर व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट, कौन सी खसूसियात उनके अंदर यहाँ पर मौजूद होती है, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। हर फाइलम के यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हम तो कंप्लीट लेंगे, लेकिन आप उसके अंदर से कुछ जो है यहाँ पर याद रखना है। ख़ास तौर से उसके अंदर से 5-6 पॉइंट हर फाइलम के आपको याद रखना जो है यहाँ पर ज़रूरी है। एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आएगा, कोई 4 पॉइंट लिखना है। 3 मार्क्स के कैरेक्टर से पूछे गए तो कम से कम मिनिमम 6 पॉइंट वहाँ पर होना चाहिए। पॉइंट तो हम लोग यहाँ पर पूरे बता रहे हैं, 8-10 पॉइंट 12 पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको जो है 6 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। अभी देखो कॉलेज वगैरह की छुट्टी चल रही है बच्चों, बिल्कुल घर पर पढ़ाई के अंदर लग जाओ। बार बार मैं कहता हूँ कोई डिफ़िकल्टी हो पर्सनल पे फ़ोन पर आप कॉन्टैक्ट करो, मैसेज करो, आपकी मज़ीद डिफ़िकल्टी सॉल्व की जाएगी, आपको गाइडेंस दिया जाएगा। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर आप कॉलेज में आ चुके हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है जब भी आपका बेड़ा पार होगा, नहीं तो बहुत पछताने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला कैरेक्टर यहाँ पर जो होता है पॉरीफेरा के अंदर, ये जो एनिमल होते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज एक्वेटिक एनिमल।
एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले, जैसे हम कहेंगे आबी जानवर, यहाँ पर इसको कहा जाएगा एक्वेटिक एनिमल है। पानी के अंदर, इसके अंदर जो भी एग्जांपल है, स्काइफा है, स्पॉन्जेस है, जिसको हम स्पंज कहते हैं उर्दू में, ये एनिमल है, ये हमेशा पानी में रहते हैं। खुश्की पर ये अपने आप को ज़िंदा नहीं रख सकते हैं, पानी के अंदर पाए जाने वाले एनिमल हैं, और ख़ास तौर से यहाँ पर मरीन वाटर के अंदर ये मौजूद होते हैं। मरीन वाटर का मतलब होता है सी वाटर, समुंदर का जो पानी है। कुछ स्पेसीज़ हैं, कुछ वैरायटी हैं जो डैम वगैरह के अंदर भी, जहाँ पर फ्रेश वाटर है, जहाँ पर बारिश का पानी जमा किया जाता है, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादातर इसके अंदर ऐसी वैरायटीज़ हैं, पानी के अंदर तो रहते हैं लेकिन ये मरीन वाटर के अंदर, समुंदरी पानी के अंदर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा, दीज आर जनरली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। आम तौर पर पॉरीफेरा के अंदर जो भी एनिमल हैं उनको जो स्पॉन्जेस के नाम से पहचाना जाता है, या हम इसको स्पंज के नाम से पहचानते हैं, कंडीशन पाई जाती है। जब इनके बॉडी को हम यहाँ पर देखते हैं तो इनका जो बॉडी होता है वो असिमेट्रिकल होता है। इसके पहले हम देख चुके हैं क्राइटेरिया के अंदर असिमेट्री, इतना टेढ़ा मेढ़ा इनका बॉडी होता है कि कोई इनकी बनावट यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारी बनावट फिक्स है, ये हेड रीजन है, ये मेरे हाथ हैं, ये पैर हैं, ये बॉडी का पार्ट, एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे जिस्म के अंदर यहाँ पर हमारी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर इतना टेढ़ा मेढ़ा बॉडी होता है कि यहाँ पर कोई उसकी फिगर ही समझ में नहीं आती है, असिमेट्रिकल। आमतौर पर ये वेस शेप होते हैं, सुराही नुमा, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े इस तरीके से होते हैं कि कोई फिगर यहाँ पर, अगर दो बराबर हिस्से हम बनाना चाहें तो यहाँ पर कैसे भी हम दो इक्वल पार्ट्स हम हासिल कर ही नहीं सकते हैं, ये कंडीशन पाई जाती है। तो ये एनिमल जो होते हैं वो असिमेट्रिकल बॉडी इनके अंदर होता है, और इनके अंदर सेल एग्रीगेट प्लान यहाँ पर जो है पाया जाता है। सेल एग्रीगेशन का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ द सेल, कलेक्शन ऑफ द सेल यहाँ पर मौजूद होता है। कोई सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ये हम देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? माउथ है, गिजा अंदर जाएगी, उसका डाइजेशन होगा, पीसा जाएगा, उसके बाद वेस्ट मटेरियल बॉडी से खारिज हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बॉडी पूरे जिस्म के ऊपर यहाँ पर मसामात हैं, पूरे जो है यहाँ पर पोर्स हैं, किसी भी रास्ते से फूड मटेरियल अंदर जाएगा, उसका डाइजेशन होगा, और किसी भी रास्ते से पानी के साथ में वेस्ट मटेरियल निकल जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, बहुत ढेर तादाद में यहाँ पर सेल मौजूद हैं, खलियात यहाँ पर मौजूद होते हैं, और कोई ख़ास सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये किसको जाहिर कर रहे हैं? प्रिमिटिव नेचर को जाहिर कर रहे हैं, यानी एडवांस टाइप ऑफ एनिमल के अंदर इसका शुमार नहीं होता है, ये कंडीशन पाई जाती है। फिर इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है, दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेडेंटरी एनिमल। सेडेंटरी का मतलब होता है ये जो एनिमल होते हैं ये समुंदरी पानी के अंदर, जो समुंदर का बेड होता है वहाँ पर किसी पत्थर वगैरह से जुड़े रहते हैं। एनिमल के अंदर क्या है? वो चलते फिरते हैं, तैरते रहते हैं, दौड़ भाग करते हैं, यानी पानी के अंदर ही उनका मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो जो यहाँ पर हरकत करते रहते हैं। इनके अंदर वैसी भी वैरायटी है, लेकिन बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं समुंदर के पानी के अंदर, ये समुंदर के अंदर जो पत्थर वगैरह रहेंगे ये एनिमल अपने आप को वहाँ पर जो है अटैच कर लेते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जॉइंट रहेंगे, इसीलिए ऐसे एनिमल को जो है यहाँ पर सेडेंटरी कहेंगे। और यहाँ पर जो समुंदरी पानी या नदी नाले तालाब के अंदर तैरते हैं उनको फ्री स्विमिंग एनिमल कहा जाएगा, आज़ादाना या फ्री लिविंग एनिमल उनको कहेंगे। आज़ादाना कहीं पर भी आना जाना उनका जो है होते रहता है, लेकिन ये जो है ज़्यादातर वैरायटी पानी के अंदर हैं, अपनी जगह पर रहते उनके अंदर सुकड़ने फैलने का अमल होगा, लेकिन इनके अंदर जो है मोमेंट आमतौर पर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होता है, यानी यहाँ पर लोकोमोशन नहीं होता है, ये पत्थर वगैरह से अपने आप को जो है यहाँ पर अटैच करके रख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इनका बॉडी जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस पोर्स, पूरा जिस्म जो होता है लार्ज नंबर ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट, बहुत ढेर सारे मसामात यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी फिगर आपको बनाकर बता देता हूँ, अगर यहाँ पर देखा जाएगा ये जो एनिमल होते हैं इस तरीके से सुराही नुमा वेस शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये पूरे जिस्म के ऊपर यहाँ पर जो सुराख पाए जाते हैं, न्यूमेरस पोर्स आर प्रेजेंट।
ज़ेन, ये तमाम के तमाम सुराख यहाँ पर जो मौजूद होते हैं दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, इनको जो है यहाँ पर ऑस्टिया कहा जाएगा। जब ये सुराही नुमा हिस्सा अपने आप को एक्सपांड करता है, फैलाता है, तो अंदर कैविटी बनती है, बाहर का पानी अंदर चला जाएगा। जब बाहर का पानी अंदर जाएगा तो यहाँ पर जो बारीक कीड़े मकोड़े, अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह या जो भी कीड़े मकोड़े कुछ प्लांट के पार्ट रहेंगे, पानी जब ये अपने आप को फैलाएगा, पानी अंदर जाएगा तो फूड मटेरियल भी यहाँ पर जो है अंदर चले जाएंगे ऑस्टिया। फिर दूसरे ही लम्हे वो अपने बॉडी को प्रेस करेगा, जब अपने बॉडी को प्रेस करेगा तो पानी इधर से ही नहीं निकलेगा, ऑस्टिया से नहीं निकलेगा, पानी इधर से बाहर निकलेगा। अपर साइड के अंदर एक लार्ज पोर यहाँ पर मौजूद है और वो जो लार्ज पोर है उसको कहा जाता है ऑस्कुलम, और ये ऑस्कुलम जो रहेगा उसके ज़रिए से जो वेस्ट मटेरियल है, फूड मटेरियल जो अंदर गया था, प्रेस करने से उसका डाइजेशन हो जाएगा, गिजाई अज्जा मिल जाएंगे, फूड मटेरियल मिल जाएगा, और जब यहाँ पर अपने आप को प्रेस करेगा, पानी जो निकलेगा उसके साथ में बाकी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, फाजिल मादे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो ऊपर के हिस्से में एक बड़ा सुराख होता है और ये जो बड़ा सुराख यहाँ पर होता है उसको कहा जाता है ऑस्कुलम। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑस्टिया आर प्रेजेंट, जिसके ज़रिए से वाटर अंदर जाएगा, और यहाँ पर से एक सिंगल ऑस्कुलम यहाँ पर मौजूद है जिससे पानी बाहर निकलेगा। तो ये वाटर सर्कुलेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है, और ये वाटर सर्कुलेशन के ज़रिए यहाँ पर जो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट और गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर होता है। फूड मटेरियल दाखिल होगा, वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, और इसी के साथ साथ में इसको ज़िंदा रहने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, जब पानी अंदर जाएगा एक्सपांड होने के बाद तो पानी के साथ में ऑक्सीजन भी जाएगी। जब ये अपने आप को कॉम्प्रेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब यहाँ पर पानी बाहर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। तो गेजा का मामला कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर बाय एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ देयर बॉडी वाटर सर्कुलेट होता है, और उसी के ज़रिए उसका सांस लेने का अमल और गेजा का मामला जो है यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है, फुलफिल होता है। उसके बाद बॉडी यहाँ पर जो है कैविटी मौजूद है, अगर जिस्म के अंदर कैविटी है तो उसको कहा जाएगा सीलोमेट है, यानी बॉडी कैविटी यहाँ पर मौजूद है, सीलोमेट कहा जाएगा। तो इसके बॉडी कैविटी को एक स्पेशल नाम दिया गया है बच्चों, और उसको कहा जाता है स्पॉन्जो सील के नाम से उसको पहचानते हैं, समझ में आ रहा, स्पॉन्जो सील के नाम से पहचानते हैं। अब यह समुंदरी पानी के अंदर अगर तैरता है, स्विमिंग करता है, तो इसके जिस्म के अतराफ में बारीक बारीक बाल यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये जो बारीक बारीक बाल है, बाल से भी ज़्यादा बारीक है, उसको कहा जाता है फ्लैजेला। ये फ्लैजेला जब पानी के अंदर मूवमेंट करते हैं तो दैट कैन स्विम इन वाटर, ये पानी के अंदर जो है यहाँ पर तैर सकता है। तो जो स्विमिंग वैरायटी है, यहाँ तो मैंने कहा ज़्यादातर सेडेंटरी है, वो अपने आप को कहीं पर जोड़ कर रखते हैं, अटैच करके रखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाएगा स्विमिंग वैरायटी है, तो इनके जिस्म के ऊपर बारीक बारीक माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इतने बारीक बाल को तो हम देख लेते हैं, लेकिन इतने बारीक होते हैं कि फॉर देयर ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप्स आर रिक्वायर्ड, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो फ्लैजेला इनके ऊपर मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्विमिंग, जो स्विमिंग में यहाँ पर जो है मदद करते हैं, वो कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद इनका यह पूरा बॉडी है, बॉडी को सहारा भी दिया जाएगा, जैसे हमारे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हड्डियों के ऊपर मसल्स हैं, गोश्त पाए जाते हैं, कहीं हम गिर पड़ जाते हैं तो गोश्त से कोई हड्डियाँ टूटने नहीं पाती हैं, तो इनका भी बॉडी जो होता है दैट इज सपोर्टेड बाय अ प्रोटीन। इनके जिस्म के अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है स्पॉन्जिन, ये इसके बॉडी की हिफाजत करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, जो उजलात हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन है, मायोप्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो फाइबर है रेशों की सूरत में होते हैं। गोश्त के अंदर क्या है, रेशे हैं, जो हमारे बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इनके बॉडी के अंदर भी प्रोटीन के फाइबर मौजूद हैं, और उस प्रोटीन को नाम दिया जाता है स्पॉन्जिन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट ऑफ द बॉडी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। उसके बाद इनके अंदर रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, रिप्रोडक्शन यानी तौलीदी खसूसियत, अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन का दो मेथड यहाँ पर होता है, एक कहलाता है असेक्सुअल मेथड और दूसरा कहलाता है सेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल गैर जिंसी तौलीद, और सेक्सुअल का मतलब होता है जिंसी तौलीद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरीड आउट विद द हेल्प
हेल्प ऑफ गैमेट गैमेट बनते हैं, गैमेट का मिलाप होगा, जवाजों का मिलाप होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नया एनिमल जो है यहाँ पर पैदा हो जाता है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो मौजूद होता है, दो तरीके हैं यहाँ पर, एक होता है फ्रैगमेंटेशन और दूसरा होता है जिम्यूल फॉर्मेशन। फ्रैगमेंटेशन, अगर ये पानी के अंदर रहते रहते अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, पीसेस के अंदर टूट जाए, तो यहाँ पर हर एक के जरिए नया एनिमल बन सकता है। हमारे बॉडी के अंदर ये खसूसियत नहीं है, खुदा ना खासा कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, हाथ वगैरह कट जाए, दूसरा हाथ नहीं आ सकता है, इनके अंदर है। जितने भी पीसेस बन जाए, हर पीस के जरिए एक नया एनिमल यहाँ पर जो है डेवलप होता है, उसको फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। और दूसरा है यहाँ पर जिम्यूल फॉर्मेशन। जब यहाँ पर अगर ये फ्रेश वाटर के अंदर है, डैम वगैरह के अंदर है, गर्मी के दिनों में डैम का पानी सूख गया है, तो यहाँ पर ये एक सेल के अंदर सिमट जाते हैं और अपने बॉडी के अंदर यहाँ पर जो एक बॉडी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पैदा होती है और अंदर यहाँ पर बहुत सारे इंटरनल बड पैदा कर लेते हैं और रेत मिट्टी के साथ अपने आप को मिक्स कर लेते हैं। जब बारिश होगी, डैम के अंदर पानी आएगा, ये फटता है और इसके अंदर जितने भी बड, जितनी भी कली के जैसा हिस्सा यहाँ पर मौजूद होता है, हर एक के जरिए एक नया स्पॉन्ज जो है यहाँ पर तैयार होता है। तो जिम्यूल का एक्चुअल मतलब होता है इंटरनल बड हैं और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके जरिए से होता है। ये इतने कैरेक्टर हो गए, इसकी एग्जाम्पल स्काइफा है, स्पॉन्जेस वगैरह यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों बिल्कुल ये ध्यान रखना है, तमाम कैरेक्टर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इसके अंदर से यहाँ पर कम से कम 6 आपको तो याद होना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ में याद होना चाहिए। तो ये इतना जो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं आपका, ये जो पहला फाइलम हमने देखा है, फाइलम पॉरीफेरा के ताल्लुक से, तो यहाँ पर इसके अंदर जो ये तमाम पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था स्क्रीनशॉट लेकर कहाँ पर नोट करना है, तो मैंने उन बच्चों को पर्सनल पर मैसेज किया था, आप एक कॉपी बायोलॉजी की बना लो, एक साइड से फर्स्ट का लिखना है, दूसरे साइड से सेकंड का लिखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका फर्स्ट पेपर, उसके भी लेक्चर शुरू हो चुके हैं, सेकंड का तो मैं, ये चौथा लेक्चर मेरा रहेगा, हमारा भी ये शुरू हो चुका है, तो मेरा पेपर सेकंड है। एक साइड से सेकंड शुरू करना है, एक साइड से फर्स्ट शुरू करना है। स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी के ऊपर नोट कर लो और यहाँ पर इसकी स्टडी आपको करना है। जो डिफिकल्टी रहे पर्सनल पर आप कॉन्टैक्ट करो, पर्सनल फ़ोन पर मैसेज करो, फ़ोन करो, इंशाल्लाह उसको जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका।